आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दुधैला बैकुंठपुर में आजादी के बाद से नहीं खुला सरकारी विद्यालय, 5 गांव शिक्षा से वंचित। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा के नाम पर लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी शिक्षा क्षेत्र में कोसों दूर है यह गांव। बता दें कि भागलपुर जिले के बीपुर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर प्रखंड के बैकुंठपुर दुधैला पंचायत के 5 गांव में सरकारी विद्यालय नहीं रहने पर गांव के हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित है। वहीं इस दौरान गांव के ग्रामीण बबलू मंडल भज्जो दास सुनील दास ने बताया कि आजादी के बाद से हमारे गांव में एक भी सरकारी विद्यालय नहीं खुले हैं, वहीं हजारों बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित है। इसको लेकर मुखिया एवं पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है, जबकि हमारे गांव में हरिजन टोला, मुरकाही, गंगापुर, शाहबाद, नया टोला, कस्माबाद, बलवा टोला में टोटल 5000 लोगों की आबादी है, जिसमें 2000 से भी अधिक बच्चे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय नहीं होने पर बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो गया है। वहीं बता दें कि मुखिया एवं पदाधिकारी किसी का भी ध्यान नहीं देने पर हजारों बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है। वहीं सभी बच्चे एवं अभिभावक ने सरकारी विद्यालय खोलने की मांग मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार नीतीश कुमार से की है। वहीं इस दौरान गांव के ग्रामीण ललन कुमार दास, सरवन दास, इंद्रदेव दास, नीतीश कुमार, प्रवीण दास, शंकर दास, कैलाश मंडल सहित हजारों ग्रामीण मौजूद थे। जे तो नहीं पढ़ा पा रहे छे, स्कूल खुलना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए बाबू, पढ़ में तो लोग नहीं पढ़ोगे तुम लोग, स्कूल खुलना चाहिए। क्या नाम है? ये पहले दिए थे, 17 में भी दिए हैं, 18 में भी आवेदन दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ना, विद्यालय नहीं बन पाया है। नहीं, और दूसरी बात, ये बिहपुर प्रखंड है, ये बिहपुर नहीं, बिहपुर विधानसभा है, नारायणपुर प्रखंड है, बैकटपुर दुधैला पंचायत है। तो ये जो सुविधाएं हैं गंगा का उस पार है, इस पार अगर क्या कर रहे थे सुल्तानगंज का, क्या हम लोगों को इधर सुल्तानगंज नज़दीक पड़ रहा है, सुल्तानगंज अंचल में हम लोगों को सब चीज हो सकता है, सुल्तान अंचल में दे दिया जाए तो सुविधाएं मिल सकती है, सुविधा सुल्तानगंज से हमको मिल सकता है। हाँ, क्या कहें, नारायणपुर क्षेत्र हमको गांव में बहुत दूर पड़ता है जी, हमको सुल्तानगंज में 100 किलोमीटर सुल्तानगंज अगर दे दिया जाए तो वहाँ जाने में लगभग एक आदमी का 300 रुपये पड़ता है जी जी जी, और इधर से लॉन्ग पड़ता है, ज़्यादा तो क्या इसका विद्यालय भी नहीं खुल पा रहा है? विद्यालय तो एकदम से विद्यालय के नाम ही नहीं बोलिए, जैसा मुखिया है 20 साल से राज कर रहा हो, विद्यालय के लिए कुछ नहीं सोचता है। वहाँ के जो अधिकारी हैं जो बिहपुर के हैं वो यहाँ आते हैं क्या? आता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है, कोई सुनवाई नहीं करता है। तो बच्चे का जो पढ़ाई है वो नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से मिल पा रहा है? कहीं स्कूल ले रहा है तो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, शाहबाद, मुरकाही, कस्माबाद, 3 टोला में कोई स्कूल नहीं है, गंगापुर 4 टोला। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करता है, वोट करता है कि कोई सुनवाई कर रहा है, स्कूल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहे लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।